हेलो फ्रेंड्स, मैं यूके वर्मा गियर अप क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चलते हैं ज्योग्राफी के अगले सेशंस की ओर, देखते हैं इस एपिसोड का जो क्लासेस होने जा रही है ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के पर्पस से। यदि हम लोग देखें जिस टॉपिक के बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ वो जल संधि का टॉपिक है। यदि हम इसके इंपॉर्टेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो हमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिखाई देता है जिनमें से जल संधि से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता हो। वो किसी भी स्तर का एग्जाम क्यों ना रही हो, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को इस टॉपिक से रिलेटेड पूछते हैं। और यदि हम इसमें क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न को हम देखें तो कहीं पर उस जल संधि को पूछ लिया जाता है कि ये कहां पर है या किसको किसको जोड़ती है या किसको किसको अलग करती है। मैं अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जल संधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यदि हम लोग देखेंगे जल संधि के बारे में, एक जो सबसे टफ क्वेश्चन होती है वो मिलान करने वाली क्वेश्चंस होती है। वो जल संधि के नाम दे दिया जाता है और उनको ए बी सी डी में चार ऑप्शंस में एक को हमें छांटना पड़ता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है या निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस तरह का जो क्वेश्चंस होती है, या ये जल संधि किस सागर में है या इस जल संधि का संबंध किस खाड़ी से है, इस तरीके से अनेक ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में मिलते हैं जो काफी आसान होती है यदि आपको इसके लोकेशंस को पता हो कि ये जल संधि किस जगह पर है। प्रीवियस क्लासेस में हमने आप सभी को बताया है कि कौन सी सागर का लोकेशन कहां पर है और कौन सी खाड़ी का लोकेशन कहां से है। इस लिहाज से यदि हम जल संधि को स्टडी करेंगे तो उसमें इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाली है, क्योंकि कोई भी जल संधि जो जोड़ती है वो किसी या तो जल के टू बड़े पार्ट्स को जोड़ती है। बेसिकली हम लोग आज के क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जल संधि है क्या और जल संधि किसको किसको, कौन कौन सी जल संधि किस किस सागर को या खाड़ी को या महासागर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। लेट अस सी कि ये जल संधि का मीनिंग क्या होती है। यदि हम लोग देखें जल संधि के बारे में तो ये जल संधि जो है ये टू पार्ट से मिलकर के बना है, जल और संधि। जल और संधि यदि हम इसको देखें, जल का मतलब तो हो गया पानी और संधि का मतलब हो गया कि उनको जोड़ने जोड़ना, यानी कि पानी की वो पार्ट्स, वो वाटर का पार्ट्स जो दो बड़े वाटर बॉडीज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है उनको कहते हैं जल संधि। हम लोग बेसिकली यदि देखें पानी ही पानी को जोड़ेगा। स्टूडेंट के पास में एक कंफ्यूजन रहता है कि कभी कह देता है कि श्रीलंका और भारत को कौन सा जल संधि जोड़ती है। अरे जल संधि जोड़ती नहीं है, जल संधि इन दोनों को अलग करती है। जोड़ती दो वाटर बॉडीज को, पानी पानी को ही जोड़ती है। इस प्रकार से यदि हम लोग देखते हैं तो कोई भी जल संधि किसी या तो खाड़ी को खाड़ी से या खाड़ी को सागर से या सागर को महासागर से, सागर को सागर से जोड़ने का काम करती है। हमेशा जब भी आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जल संधि क्या होती है तो नाम में ही स्पष्ट है कि जल संधि जल के दो बड़े वॉल्यूम्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है और दो बड़े लेंथ्स को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जल संधि से, जल को जोड़ती है और लैंड को अलग करती है। और इसी संबंध में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि जो पूरे के पूरे विश्व में महत्वपूर्ण जल संधि कौन कौन से हैं जो हमारे आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट जल संधि के बारे में। यदि हम लोग देखें सबसे पहले यहां पर एक जल संधि मिलेगा। हमने इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर जो खाड़ी दिखाई देती है वो खाड़ी का नाम था अलास्का की खाड़ी, और जो यहां पर सागर था वो था बेरिंग सागर। यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अब देखिए इस जगह पर हमने बताया था बेरिंग सागर और इस जगह पर बताया था चुक्सी सागर, और चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर का पार्ट है। तो यहां से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरिंग सागर किसको किसको जोड़ती है। तो हम लोग क्लियरली आंसर दे सकते हैं यहां पर कि बेरिंग सागर, जो बेरिंग जल संधि है वो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, या बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, या प्रशांत महासागर। इस पोर्शन का नाम आप लोगों को पता होगा कि प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है ये बेरिंग जल संधि।
आपको आप लोग इस लोकेशन को ध्यान से देख सकते हैं कि ये प्रशांत महासागर और इसके ऊपर में जो है ये अलास्का प्रायद्वीप के ऊपर में वो आर्कटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है ये बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है इसी के पैरेलल में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है इस तरह करके। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर में कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर के गुजरती है, तो इसका आंसर क्या होगा, बेरिंग जल संधि से होकर के यह रेखा गुजरती है। एक महत्वपूर्ण जल संधि है जो हम लोग देखते हैं इस जगह के लोकेशंस पर है, इस जगह पर यहां पर है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। अब देखिए डेविस जल संधि जो है जो लैंड के दो बड़े पार्ट्स को अलग करती है उनमें से इसका नाम है ग्रीनलैंड और इसका नाम है कनाडा का पार्ट्स में। यदि हम इस लोकेशंस को देखते हैं प्रायद्वीप के रूप में, प्रायद्वीप में हम आप लोगों को बताएंगे एक प्रायद्वीप के रूप में उसका नाम है उंगावा प्रायद्वीप और इस द्वीप का जो नाम है वो ग्रीनलैंड है। तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को इस कनाडा के पार्ट से अलग करती है और हमने बताया था इस स्थान पर लेब्राडोर सागर है, याद कीजिए यदि लोकेशन आपको पता होगा तो इस जगह पर लेब्राडोर सागर है और इसके ऊपर में बेफिन की खाड़ी है। तो क्लियर हो गया कि जो डेविस जल संधि है वो किसको किसको जोड़ती है, तो बेफिन की खाड़ी से लेब्राडोर सागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक अगला जो जल संधि है, ये जल संधि इस स्थान पर है और इसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। अब देखिए फ्लोरिडा जल संधि के जो दोनों तरफ के लैंड वाले पार्ट्स को देखते हैं तो ये नीचे में है कैरेबियन प्रायद्वीप का, जो कैरेबियन द्वीप है उसका ये है क्यूबा वाला पार्ट, ये क्यूबा है और ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो जो फ्लोरिडा जल संधि है ये क्यूबा को फ्लोरिडा प्रायद्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसको है, तो आप लोगों को इतना पता हो जाना चाहिए अब कि इस जगह पर मेक्सिको की खाड़ी था और इस जगह पर पूरा अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है और क्यूबा को फ्लोरिडा प्रायद्वीप से अलग करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा फ्लोरिडा जल संधि को। इसी तरीके से एक और जल संधि है जो इस स्थान पर है, इस स्थान पर जो जल संधि का नाम है इनका नाम है युकाटन जल संधि। क्या नाम है इनका, युकाटन जल संधि। अब देखिए इनके लोकेशन से इधर तो मेक्सिको की खाड़ी है और इधर पूरा हमने बताया था कि कैरेबियन सागर है, तो स्पष्ट है कि युकाटन जल संधि कैरेबियन सागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है और ये जो देख रहे हैं इसका उभरा हुआ पार्ट, निकला हुआ पार्ट, इसका भी नाम है युकाटन प्रायद्वीप। तो युकाटन प्रायद्वीप को कैरेबियन प्रायद्वीप से अलग करती है। तो हम लोगों ने देखा कि युकाटन जल संधि किनको किनको जोड़ती है, मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। अब हम लोग देखेंगे काफी फेमस, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप सभी को पता होगा कि यहां पर एक खाड़ी हमने बताया था जिसका नाम था पनामा की खाड़ी और इसके ऊपर में हमने बताया था कि राइट साइड वाले पार्ट्स में वो था डेरियन की खाड़ी। तो ये जो जल संधि का लोकेशन देखते हैं इनको हम लोग कहते हैं पनामा जल संधि। इसका नाम क्या है, पनामा जल संधि। और पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है और पनामा की खाड़ी को डेरियन की खाड़ी से कनेक्ट करती है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि पनामा जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस प्रकार से पनामा जो जल संधि है ये काफी बार इस क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इसके रिपीटेड क्वेश्चंस में ये पनामा जल संधि आती है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पनामा जल संधि से संबंधित क्वेश्चंस के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पर एक जल संधि है जिसका नाम है मैगलन जल संधि।
मैगलन जल संधि जो है ये दक्षिणी अमेरिका है, और इस जो द्वीप नुमा एक आकृति आप देख रहे हैं, इस द्वीप नुमा आकृति का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। इसका नाम क्या है? टेरा डेल फ्यूगो। अब देखिएगा कि जो मैगलन जल संधि है ये टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है, तथा यह प्रशांत महासागर, इधर वाले लोकेशंस में प्रशांत महासागर है और इधर वाले लोकेशंस में अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यह जोड़ती है और टेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका को यह अलग करती है, तो इसका नाम है मैगलन जल संधि। एक और जल संधि नीचे में है, इसका नाम है ड्रेक पासेज। इसको ड्रेक पासेज कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दक्षिणी अमेरिका, यदि हम टोटली लें तो दक्षिणी अमेरिका और जो अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, और यह भी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। ड्रेक पासेज के बारे में इसको एक उपनाम दिया जाता है कि यहां पर जो भी नाविक जाता है ड्रेक पासेज से होकर के गुजर करके पार होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां पर हवा की इतनी घुमावदार होती है संचरण कि इसी में वो नाव फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है, इसीलिए ड्रेक पासेज को नाविकों का कब्रदाह भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखें कि नाविकों का कब्रदाह किसे कहा जाता है, यदि आप लोगों से पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? ड्रेक पासेज। एक इंपॉर्टेंट जल संधि जो इसे भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसको कभी पूछता है, ये सागर का नाम तो आप लोगों को पता होगा कि ये भूमध्य सागर है, हमने कल बताया था कि ये टेथिस महासागर का अवशेष भी है और ये अटलांटिक महासागर है। तो यदि आपको अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर जाना होगा तो जल की एक पतली सकरी धारा से होकर गुजरना पड़ेगा, जो जिस धारा का नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, और यही जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए आप पहुंचते हैं भूमध्य सागर में, और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। और जैसे ही हम जिब्राल्टर जल संधि से पहुंचते हैं, आपको याद होगा कल हमने यहाँ पे एक सागर का नाम बताया था जिसका नाम था लिगुरियन सागर, और लिगुरियन सागर से जैसे ही इसका नाम हमने बताया था तिरहिनियन सागर, तो जैसे ही लिगुरियन सागर से तिरहिनियन सागर में जाइएगा आपको एक जल संधि यहां पर भी मिलेगा और इसका नाम है बॉनी फेरस जल संधि, बॉनी फेरस जल संधि। और जब आप पहुंच गए तिरहिनियन में, तो तिरहिनियन के बाद में आपको एक जल संधि, आप लोगों को यहां पर बताया थे कि जैसे ही आप बॉनी फेरस जल संधि से होते हुए तिरहिनियन सागर में पहुंचते हैं, इसके बाद में जो इस सागर का लोकेशन है, कल हमने बोले थे प्याज वाली घटना आपको याद होगी कि प्याज के ऑनियन के आगे ई लगा देनी है, तो इसका नाम था ई ऑनियन सागर। जिस सागर से होकर के, जिस जल संधि से होकर के हम गुजरते हैं, इसका नाम है मेसिना जल संधि। क्या नाम है इसका? मेसिना जल संधि। आप लोगों को लग रहा होगा कि नया नया सागर, नए नए नाम, पता नहीं, लेकिन आप लोग देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जब आप इओनियन सागर से इस लोकेशन पर आना चाहें जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर, आप लोग सागर को बढ़िया से देख लीजिएगा, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर, तो जिस जल संधि से होकर के आप गुजरते हैं इनका नाम है ओट्रांटो जल संधि। क्या नाम है इनका? ओट्रांटो जल संधि। और जब आप ओट्रांटो जल संधि से पहुंच गए एड्रियाटिक सागर में, तो फिर ओट्रांटो जल संधि से होते हुए आइए इओनियन सागर में, और इओनियन सागर से आप चले आइएगा यहां पर एजियन सागर में, और एजियन सागर में जब आप इस लोकेशन पर आइएगा तो इसका नाम है डार्डनलीज, डार्डनलीज जल संधि। अब डार्डनलीज जल संधि से होते हुए आप पहुंच गए, इसका नाम आप लोगों को सागर का पता है मरमरा सागर है, तो डार्डनलीज जल संधि से होते हुए आप मरमरा सागर में पहुंचे, और मरमरा सागर के बाद जो इस जगह पर जल संधि है इसका नाम है बॉस्फोरस जल संधि,
बास्पोरस जल संधि, और बास्पोरस जल संधि से इस जगह पर जो सागर का लोकेशन आप देख रहे हैं इसका नाम है काला सागर। और जब आप काला सागर पहुंच गए तो इसके बाद में जो ऊपर में आप देख रहे हैं ऊपर से उभरा हुआ पार्ट, उठा हुआ पार्ट, इस सागर का नाम है एजोव सागर। और जब काला सागर से आप एजोव सागर में प्रवेश करते हैं तो इस जगह पर एक जो जल संधि दिखाई देता है इनका नाम है केरीच जल संधि, केरीच जल संधि। अब यहां से बहुत प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल तो यहां पर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि है जो भूमध्य सागर में नहीं है। तो इस लिहाज से भी देखिएगा कि जब आपका ऑप्शंस में आना शुरू होने लगेगा, बोनीफेरस, मेसिना, डार्डेनलीज, इस तरह के जब ऑप्शंस, तो यदि आपको ये सारे ऑप्शंस के बारे में पता रहेगा तो आप इसका बखूबी आंसर दे सकते हैं। और कनेक्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जब कोई कहता एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते हैं और मिलान करने वाले में एक कौन सा करेक्ट है पूछता है और जब कह देता है एग्जाम्स में वहां पर लिखा रहता है कि डार्डेनलीज जल संधि जो है वो एजियन सागर को मरमारा सागर से कनेक्ट करती है, तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यदि आपको पता होगा तो आप करेक्ट आंसर पर जा पाइएगा, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द बनती है। इसको अच्छे तरीके से 2-3 बार 4 बार आप रिपीट कर लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट एक है नाम हम लोग सुनते रहे थे, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। जिस लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूं इसका नाम है इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल ब्रिटिश द्वीप को फ्रांस से अलग करती है। ब्रिटिश द्वीप और फ्रांस, फ्रांस में पेरिस और लंदन, कहते हैं लंदन और पेरिस के बीच में कौन सी जल संधि है, तो इंग्लिश चैनल से का ही एक पार्ट है जिनको हम लोग कहते हैं डावर जल संधि। तो इसी जगह पर डावर जल संधि है। और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में कि लंदन और पेरिस के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है, तो उसका आंसर हो जाएगा डावर जल संधि। और देखिए डावर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल का ही पार्ट है। अब एक और जल संधि देखते हैं, जब हम लोग डावर जल संधि के बारे में बात करते हैं कि दोनों को अलग करती है तो कनेक्ट किसको करती है, तो कनेक्ट आप देखिए इसका नाम हम लोग बताए थे कि उत्तरी सागर है, और उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को यह कनेक्ट करती है। नेक्स्ट जल संधि हम लोग देखते हैं यहां पर, जिसका नाम है नॉर्थ चैनल, इसका नाम है नॉर्थ चैनल, इनको नॉर्थ जल संधि भी कहा जाता है। तो नॉर्थ चैनल ब्रिटिश द्वीप को ही एक दो द्वीप को ही अलग करती है, कनेक्ट जो करती है ये, ऊपर में हम लोकेशन बताए थे कल आयरिश सागर के बारे में, प्रीवियस क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, यहां पर आयरिश सागर था और नीचे की जो पोर्शन आप यहां पर देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर का पोर्शन है, और ये अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से नॉर्थ चैनल कनेक्ट करती है। अब अगला जो एक जल संधि हम लोग देखने जा रहे हैं, नाम सुनने में थोड़ा टफ लगेगा, इस जगह पर है और इसका नाम है इसके गैरॉक जल संधि, इसके गैरॉक जल संधि। अजीब नाम है ये, किसको किसको जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है। तो देखिए इसके गैरॉक जल संधि के ऊपर में यदि इस प्रायद्वीप को देखिएगा तो इसका नाम है स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, और नीचे के प्रायद्वीप को यदि आप देखिएगा जो इस तरीके से ऊपर उठा हुआ पोर्शन यहां पर है इसका नाम है जटलैंड प्रायद्वीप। तो इसके गैरॉक जल संधि जटलैंड प्रायद्वीप को स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप से अलग करती है, और जो कनेक्ट करती है यह जल संधि वो ये है बाल्टिक सागर और ये है उत्तरी सागर। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से इसके गैरॉक जल संधि कनेक्ट करती है, और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप को जटलैंड प्रायद्वीप से अलग करती है। तो ये था इसके गैरॉक जल संधि, ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए इस लोकेशन पर यदि हम लोग आते हैं जो अफ्रीका के और अरब प्रायद्वीप के बीच में है, कल हमने बताया था जो सागर का नाम है इसका नाम है लाल सागर। लाल सागर भी भूमध्य सागर से कनेक्ट है, लेकिन जिस नहर के द्वारा यह कनेक्ट है उस नहर का नाम है स्वेज नहर। जिस नहर के द्वारा कनेक्ट है उसका नाम क्या है? स्वेज नहर। और लाल सागर और ये हिंद महासागर का लोकेशन जो आप देख रहे हैं, तो लाल सागर और
हिंद महासागर को जो जलसंधि एक दूसरे से कनेक्ट करती है। यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम है अदन की खाड़ी और इसका नाम लाल सागर है। दोनों के बीच में जो जलसंधि है इनका नाम है बाब अल मंडेव, बाब अल मंडेव जलसंधि। तो बाब अल मंडेव जलसंधि जो है वो अदन की खाड़ी को लाल सागर से या हिंद महासागर को लाल सागर से कनेक्ट करती है और जो सेपरेट करती है दो बड़े लैंड को वो है अरेबियन प्रायद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। और जस्ट इस अरेबियन प्रायद्वीप के ऊपर में देखिएगा एक और जलसंधि आपको मिलेगी इस जगह पर जिसका नाम है हार्मुज जलसंधि, हार्मुज जलसंधि। अब देखिएगा आजकल तो काफी चर्चा में है यह जलसंधि, जब से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा है यह जलसंधि काफी सक्रिय है, जिसके कारण से जब जब अमेरिका ईरान के बीच में तनाव बढ़ता है वो कहता है कि ऑयल के टैंकर्स का जो वर्ल्ड के अदर अदर पार्ट्स में एक्सपोर्ट होती है, ईरान का जजमेंट एनी टाइम रहता है कि मैं तो हार्मुज जलसंधि को बंद कर दूंगा। तो अब आप लोगों को यह पता चलेगा कि आखिरकार ईरान कहां बंद करेगा, हार्मुज जलसंधि का एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। और जो हार्मुज जलसंधि है जिस दो बड़े लोकेशन, एक तो जब ईरान बंद करेगा तो इसका मतलब है कि ईरान के तट पर ही है वो, तो ईरान का तट ईरान और अरब प्रायद्वीप को यह हार्मुज जलसंधि अलग करती है एक दूसरे से और जो कनेक्ट करती है उसमें से इस जो खाड़ी का नाम है इनका नाम है फारस की खाड़ी। आप लोगों को याद होगा यहां पर सभ्यताएं रही है, फारस दजला फरात सभ्यता बहुत सारी चीजें हिस्ट्री के पार्ट्स में है। तो जो फारस की खाड़ी और यहां पर ओमान है, इस ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को कनेक्ट करती है हार्मुज जलसंधि से और ईरान को अरेबियन प्रायद्वीप से अलग करती है। यह है हार्मुज जलसंधि। अब यह काफी इंपॉर्टेंट जलसंधि है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इतनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और नाम से ही लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। उस जलसंधि का नाम यहां पर है और इस जलसंधि का नाम है पाक जलसंधि। इसका नाम क्या है? पाक जलसंधि। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पाक जलसंधि किसको किसको अलग करती है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव। लोग पाक का नाम सुनकर के वहां पर टिक लगा देते हैं, पाकिस्तान ही होगा आंसर, जो कि गलत हो जाती है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि पाक जलसंधि जो यहां पर है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। और हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि यहां पर जो एक खाड़ी है इसका नाम था मन्नार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को इधर वाले जो लोकेशन है वो है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से ये कनेक्ट करती है और जो सेपरेट करती है वो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। अब देखिए यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है, यदि हम लोग देखें इस द्वीप के बारे में तो इसको हम लोग कहते हैं जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप, द्वीप नुमा आकृति है वहां पर। तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका को भी जो उसके बीच में एक जल सक्रिय जल की परत है, जो सक्रिय जलधारा है जो जाफना प्रायद्वीप से श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करके रखती है उनका नाम है डंकन पास। उसका नाम क्या है? डंकन पास। काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक और जाते हैं भारत के ही पार्ट्स को देखते हैं, ये अंडमान है और ये निकोबार है। अंडमान और निकोबार को जो एक दूसरे से अलग करती है उसका नाम है, सॉरी ये डंकन पास नहीं, इस जगह पर का जो नाम है वो है एलिफेंटा पास, और इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और जो अंडमान और निकोबार के बीच में जहां पर हम लोग इस लोकेशन को देखते हैं इसका नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कुछ जल संधियां जो भारत के करीब में था, और एक हाल ही फिलहाल में जमीन के उस भाग को खोद करके दो बड़े जल के स्रोत को जोड़ा गया है इस जगह पर जिसका नाम है करा जलसंधि, करा जलसंधि। हमने एक कारा सागर पढ़ाया था जो इस जगह पर था, इसका जो नाम है ये कारा नहीं है, करा जलसंधि है। और करा जलसंधि जो है वो अंडमान सागर को
श्याम की खाड़ी से कनेक्ट करती है, और यहीं पर आप देखिएगा ये मलय प्रायद्वीप है और ये सुमात्रा है, और मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में जो एक खाड़ी है इसका नाम है मलक्का की खाड़ी। मलक्का जल संधि है, मलक्का खाड़ी भी वहां पर है। तो मलक्का जो जल संधि है ये किसके किसके बीच में है, तो ये हिंद महासागर को जावा सागर से कनेक्ट करती है, और अलग किसको करती है, सेपरेट करती है यार सुमात्रा को मलय प्रायद्वीप से। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर एक है कि जावा सागर के इस जगह पर एक जल संधि है जिनका नाम है सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि, और सुंडा जल संधि जो है वो हिंद महासागर को जावा सागर से कनेक्ट करती है, और ये अलग करती है सुमात्रा और जावा को, और इसी सुंडा जल संधि के बीच में एक द्वीप है जिनको हम लोग कहते हैं क्राकाटोवा द्वीप। इस जगह पर जो आप एक द्वीप दिखा देगा, और इस द्वीप का नाम है क्राकाटोवा द्वीप। अब देखिए इस जगह का जो लोकेशन हमने बताया था जावा सागर है, और ये वाला लोकेशन है वो दक्षिण चीन सागर का है। तो दक्षिण चीन सागर और जावा सागर को एक जल संधि कनेक्ट करती है जिनका नाम है कारीमाटा जल संधि। क्या नाम है इनका? कारीमाटा जल संधि। और देखिए इस जगह पर फिलीपींस का लोकेशन है, और फिलीपींस के लोकेशन में जब हम लोग यहां पर देखते हैं तो उस द्वीपों के बीच में एक जल संधि है जो इस द्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है, और प्रशांत महासागर से या फिलिपियन सागर यहां पर है, दक्षिण चीन सागर इधर है, इन दोनों के बीच में है। इसका नाम है लुजोन जल संधि। इसका नाम क्या है? लुजोन जल संधि। और जब आप ऑस्ट्रेलिया के पास में आते हैं या लुजोन जल संधि और इस जगह पर फिलीपींस के नीचे में एक सागर का लोकेशन था जिस सागर का नाम था सेलिबीज सागर, और यदि आप देखिएगा सेलिबीज सागर को जो ये जावा सागर से कनेक्ट करती है यहां पर भी एक जल संधि है, और इस जल संधि का जो नाम है, इस जल संधि का नाम है मक्कासार जल संधि। क्या नाम है इसका? मक्कासार जल संधि। और इसके आगे में इस जगह के लोकेशन आइए हम लोग देखते हैं जहां पर था आराफुरा सागर और इस जगह पर था कोरल सागर, और आराफुरा सागर और कोरल सागर को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और जो जल संधि के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है उनका नाम है टारस जल संधि। और टारस जल संधि जोड़ती किसको किसको है? तो आराफुरा सागर को कोरल सागर से, और ये अलग किसको किसको करती है, सेपरेट किसको करती है? तो सेपरेट करती है ये इस जगह पर जो ऑस्ट्रेलियन प्रायद्वीप जो यहां पर आप देख रहे हैं इनको पापुआ न्यू गिनी, ये जो ऊपर में द्वीप दिखाई दे रहा है आपको ये पापुआ न्यू गिनी है, और ये पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलियन प्रायद्वीप से, ऑस्ट्रेलियन जो ये पूरा कंटिनेंट है इनसे ये अलग करती है। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक और जल संधि है जो इस जगह पर आप लोग देख सकते हैं, बास जल संधि। और बास जल संधि जो है ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको इसका नाम है तस्मानिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि है, बास जल संधि है, और जो बास जल संधि है तस्मान सागर इस जगह पर है, और ये हिंद महासागर का ही पार्ट है। ये हमने वहां पर बताया था कि जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जब खाड़ी आप पढ़ रहे थे, स्पेंसर की खाड़ी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की खाड़ी, तो जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट था इंडियन ओशियन का ही पार्ट था, तो वो इंडियन ओशियन और तस्मान सागर को एक दूसरे से कनेक्ट करती है बास जल संधि, और सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। और एक और जल संधि है जो आप न्यूजीलैंड के पास में नीचे जाकर के देख सकते हैं जिसका नाम है कुक जल संधि। न्यूजीलैंड के ही उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में है, तो ये जो कुक जल संधि है कनेक्ट करती है इस वाटर के पार्ट्स को, जो प्रशांत महासागर के इधर पार्ट्स को और तस्मान सागर के इस पार्ट्स को कनेक्ट करती है, और न्यूजीलैंड के ही जो दोनों द्वीप है उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को एक दूसरे से अलग करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका नाम क्या है? कुक जल संधि है। अब ऊपर यदि हम लोग आकर के देखें इस पोर्शन के लोकेशन पर जहां पर आप पूर्वी चीन सागर देखते हैं इस जगह पर, और यहां पर जापान सागर हम लोगों ने देखा था, तो पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के बीच में जो जल संधि है उस जल संधि का नाम है सुसीमा जल संधि।
सुशीमा जलसंधि, ये दोनों द्वीपों को एक इस जो जापानीज द्वीप है, इस जापानीज द्वीप को यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ये निकला हुआ पार्ट, इसको हम लोग लियो व डांग प्रायद्वीप कहते थे। तो लियो व डांग और जापान की जो जमीनी संरचना है उनको अलग करती है सुशीमा जलसंधि, और जो कनेक्ट करती है दक्षिण चीन सागर, जो हम लोग यहाँ पर पूर्वी चीन सागर और जापान सागर देखते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती है। और एक जो जापान के द्वीप के बीच में हम लोग देखे थे जलसंधि, जो जापान की जो दो द्वीप है, जापान की जो दो बड़े द्वीप है उनको कहते हैं एक होन्सु और होकेडो द्वीप। तो जो होन्सु और होकेडो द्वीप को अलग करती है उनका नाम है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो जापान के दोनों और यहां पर जापानी सागर और ये पूरा प्रशांत महासागर का पार्ट ही है। तो प्रशांत महासागर और जापान सागर के बीच में जो जलसंधि हम लोग देख सकते हैं इसका नाम है सुगारु जलसंधि। और सुगारु जलसंधि के बारे में कहता है कि एक जो सिकन रेल सुरंग, हम लोग कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो सिकन रेल सुरंग है, और सिकन रेल सुरंग सुगारु जलसंधि से ही होकर के जाती है। अब हम लोग देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट जलसंधि है जो यहां पर है, जिसका नाम है तातार टस्क। तातार टस्क जलसंधि, और जो तातार टस्क जलसंधि है ये इस जापान के सागर को, इस जगह का जो सागर हमने बताया था वो था अखुटस्क सागर, तो अखुटस्क सागर को जापानी सागर से कनेक्ट करने का नाम काम करती है तातार टस्क जलसंधि। और फिर आगे में हम लोग यहां पर देखते हैं जो ये संरचना लटका हुआ था, हम लोग बताए थे जो लटका उसका नाम कमचटका, इस प्रायद्वीप का नाम है कमचटका प्रायद्वीप। और फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो फिर वहीं घूम करके आगे बेरिंग जलसंधि के पास में जो हम लोग यहाँ की संरचना में देखे थे। हम लोगों ने इस प्रकार से जो दुनिया के महत्वपूर्ण जलसंधि था वो सारे जलसंधि को हम लोगों ने अभी तक देखा। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पता चल गया होगा, इस इंपॉर्टेंस आप लोगों को मालूम भी हो गया होगा कि जलसंधि हमारे एग्जाम पर्पस से कितना इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो सारे वीडियो इसका बेंचमार्क था, क्योंकि जितनी सारे यूज हमने नाम किए सागर का और खाड़ियों का, ये सारे चीज हम अपने प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। जिसने उसको देख करके और उसको पढ़ करके इनको इस क्लास को देखा होगा उनके लिए काफी आसान हुई होगी, और जिसने नहीं देखे हैं वो कृपया इसको देख लें, उसके बाद इनको स्टडी करने की कोशिश करें, वो आसान हो जाएगी। और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने आगे के ज्योग्राफी के क्लासेस आप लोगों के लिए हम देंगे वो सारे क्लासेस पिछले क्लासेस से कनेक्ट होगी, इसलिए आप लोग पिछले क्लास को देखना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि पिछला क्लासेस को ही बेंचमार्क के लेकर के हम अगला क्लास को बनाएंगे, और वो आप लोगों को फिर कम समझ में आएगी यदि आप लोग नहीं देखे होंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।